जैसी जैसी कोई नहीं। अब क्या हो गया सर? जैसे आप कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं। पक्का? जी नहीं। कुछ तो भूल रहे हैं जैसे। क्या? ध्यान से देखना जैसे, ध्यान से। हम कुछ भी नहीं भूले हैं सर। अच्छा, कुछ भी नहीं है? तो फिर चलते हैं। चलो। बंद रखना है तो मोबाइल क्यों खरीदते? Just will kill him today. Come on, जल्दी जल्दी। लेकिन जैसे वो क्या ना कि थोड़ी भूख लगी है, थोड़ा खाना खा ले। चलो। क्या हुआ? इरादा बदल गया सर? अगर आप चाहें तो वहाँ कोने में। नहीं नहीं सर, मुझे ये। जैसे तुम शायद ठीक कह रही हो, इस जगह में कुछ गड़बड़ है, हम लोग कहीं और लंच करते हैं। चलो सर। एक मिनट, यहाँ से नहीं, यहाँ से। सर सर मेरी बात सुनिए। मनसुख भाई, सर आपके लिए इतना बढ़िया कॉर्नर बुक किया था सर, सब गिराइएगा जरूर। I'm sorry, जैसी। आप इतना तेज क्यों चला रहे हैं? क्योंकि मेरा प्लान वन फेल हो रहा है, इसका ऑल्टरनेट क्या है? तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना जैसी कि मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके क्यों गया, पर मेरा यकीन मानो जैसी, मैं भी उस जगह पहली बार गया था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ऐसे रेस्टोरेंट्स को तो तोड़ देना चाहिए, बाहर से उड़पी और अंदर से उड़न छू। मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। हाँ, अगर आप नंदू को रिएक्ट कर रहे हैं तो। नंदू? आप नहीं चाहते थे ना कि वो हमें साथ में देखें? जैसे आप क्या हुआ सर? तुम्हें यही लगता है ना कि मुझे शर्म आती है तुम्हारे साथ दिखाई देने? बोलते क्यों, यही सच है ना? नहीं सर। नहीं मत कहो जैसे, मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता कि नंदू हमें साथ में देखे या फिर कोई और हमें साथ में, लेकिन मेरा यकीन करो जैसे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे तो खुशी होती है जब तुम मेरे साथ होती है, गर्व महसूस होता है, कॉन्फिडेंस रहता है मुझे। मेरा ये मतलब नहीं था सर, आप खामखा नहीं जैसे, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, और चूंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते इसीलिए हम यहाँ से पैदल ऑफिस जाएंगे, और मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर। चलो। नहीं सर, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था सर, हम ऑफिस जाएंगे और आप ही की कार में जाएंगे सर, लेकिन आप प्लीज थोड़ा आराम से चलाना। ठीक है अगर तुम कहती हो तो, लेकिन मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह कैसे ले जा सकता हूँ। डैम, इट्स ओके सर, हम वहाँ लंच ही करने गए थे। लंच के लिए चाइना टाउन भी जा सकते थे ना? चाइना टाउन चले जैसे लंच पे? नहीं, मुझे लंच नहीं करना सर, मुझे ऑफिस जाना है सर। जैसे क्यों, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें और मैं क्या करूं? मेरा तो प्लान वन फेल हुआ ना, सब मेरी गलती है। फेल, तू फेल हो गया अरमान सूरी, तू फेल हो गया। ओ सॉरी सॉरी भाभी जी, सॉरी फॉर द लेट। क्या लग रही हैं आप? माफ करना, लेकिन भगवान की कसम मेरी गलती कि आपको यहाँ रुकने के लिए बोला। मनसुख भाई, आपका दिमाग खराब हो गया? आप मुझे इस तरह की जगह पे गुलमोहर के स्टोर के लिए जगह दिखाने वाले? अरे नहीं 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 भाभी जी, यहाँ नहीं, इधर से जरा आगे है, थोड़ा नजदीक में ही है, और ऐसी जगह, ऐसा एरिया, लोकेशन आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा, और रेट ओहो एकदम सस्तू, ऐसा रेट मैंने जीवन में कभी बोला नहीं है। आप चिकनी चुपड़ी बातें कम करेंगे, मुझे जगह दिखाएंगे। हाय सर। हाय जैसी, आई होप आपका लंच अच्छा रहा। लंच?
काफी अच्छा था। जैसी एक मिनट सुनना। मैम। अरे इधर आ तू। क्या हुआ? आज ना हम लोग सब फिल्म देखने जा रहे हैं। गुड, एंजॉय। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, तू भी चल रही है? मैं नहीं आ सकती। जैसी क्या मतलब है मैं नहीं चलूंगी? हम ऑफिस के बाद ही जा रहे हैं ना। अब ये कोई तरीका नहीं है दोस्तों से बिहेव करने का। नाज़िम तो प्लीज ये दोस्ती वोस्ती की बात मत करा भी। जैसी मैं भी जा रही हूँ और मैं तो सिर्फ बिंदिया के लिए जा रही हूँ। चलना जैसी चलना, चल। ओके। अच्छा हम कहे तो बकवास और रूबी मॉम कहे तो सर आंखों पर, क्योंकि रूबी मॉम रूबी मॉम है और आज तक मैंने जो भी सीखा मैंने रूबी मॉम से ही सीखा, एक साथ मिलकर काम करना, और मैं रूबी मॉम को कभी मना नहीं कर सकती। जैसी कोई हमें चैलेंज करके जाता है और फिर लौट कर बात भी नहीं करता है। खाना बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स खाना तो बहुत अच्छा था ही। तो लेडीज एंड जेंटलमैन स्कोर है 1-0। अपनी तरफ से। हाँ अरे हम उस रेस्टोरेंट गए थे और वहां पे हमने खाना ऑर्डर भी किया था लेकिन फिर हमें लगा कि हमें भूख नहीं लग रही तो हम एज यूजुअल मैच हारने के बाद दोष हमेशा पिच को टॉस को या मौसम को दिया। देखना ये कि आने वाले दिनों में टॉस हार कर किसी भी मैदान पर किसी भी पिच पर खेल कैसे जीता जाता है। कम से कम इतना तो माना कि ये मैच हार गया। बिल्कुल नहीं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हम शाहरुख खान के नहीं अरमान सूरी की बात कर रहे हैं। जी हेलो फैशन हाउस मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रकाश डाबरा। 80% एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका एंड यूरोप। नेक्स्ट गुलमोहर फैशन हाउस। एक्टिंग चेयरमैन मिस जसमीत वालिया। क्या मतलब सर? वैसे चेयरमैन तो मिस्टर अरमान सूरी हैं लेकिन कहा जाता है कि सारे डिसीजंस यही लेती हैं। बाय पोजीशन असिस्टेंट टू द चेयरमैन। इन्हें स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है। सर नेक्स्ट। हाँ IFS फैशन। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस हंसमुखी। सर ये कंपनी टॉप 5 की 4th पोजीशन तक कैसे पहुंची कोई नहीं समझ सकता लेकिन सब मानते हैं कि अगर ये चाहे तो टॉप पोजीशन ले सकती है। इंटरेस्टिंग। मिस हंसमुखी को क्रेडिट दिया जा सकता है सर क्योंकि ये पहली डिजाइनर हैं जो इंडियन डिजाइंस एंड मोटिव्स को पेरिस ले गई। कंपनी के पहले साल में सक्सेस ही सक्सेस लेकिन पिछले कुछ 6 महीनों से ग्रोथ फैक्टर काफी कम हो गया है। इसकी वजह? फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जल्दी से जल्दी मेरी मिस हंसमुखी के साथ मीटिंग फिक्स करो। नहीं अभी अभी सिर्फ एक दिन का मौका है अरमान सूरी। तेरे पास पूरे नौ दिन। प्लान 1 फेल हो गया है। प्लान टू क्या है? सोच। कम ऑन अरमान सूरी। एक्शन। वो कौन से लोग हैं जो जस्सी की जिंदगी में मायने रखते हैं? कम ऑन अरमान। जैसी गैंग। हाँ किना अरमान। हाँ अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? तुमने एक बार फिर मुझे डिस्टर्ब कर दिया ना मल्लिका। जब पता चलेगा कि मैंने क्यों डिस्टर्ब किया है तो तुम बढ़ के मुझे किस कर लोगे? मल्लिका सेठ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आपको किसकी पड़ी हुई है? वैसे किस चीज पे काम कर रहे थे आप? तो स्टोर्स के बारे में और उससे ज्यादा जरूरी काम हो कुछ है मेरे पास? मैं भी स्टोर्स के बारे में सोच रही थी। ये लो। ये क्या है? ये है
तुम्हारा स्टोर। मैंने जगह देख ली है, पसंद कर ली है और फाइनलाइज भी कर ली। अरमान, इतनी खूबसूरत जगह है ना, तुम बस देखते ही रह जाओगे। अब तुम्हें सिर्फ पेपर वर्क फॉलो अप करना है ना, ये किस वाली बात हा? मालिका तुम तुम्हारी ड्यूटी मैनेजर आ गई। अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन ये पेपर वर्क जरूर फाइनलाइज कर लेना, वरना ऐसी जगह इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो फिर मैं बाद में मिलती हूँ। ओके। जैसे एक मिनट यहाँ आना। मल्लिका ने पेपर्स दिए गुलमोहर के लिए नया स्टोर फाइनल करने के लिए। ठीक है सर, इट्स ओके। ये तुम क्या कह रही हो? तुम कैसे कह सकती हो कि इट्स ओके? मल्लिका कौन होती है इसको ओके करने वाली? हाँ, वो कौन होती है स्टोर फाइनल करने वाली? और हम क्या करेंगे? मालिका मैम ने जगह देखी तो ठीक ही होगी ना सर, और पेपर्स भी ठीक हैं, डील बुरी नहीं है। हाँ, लेकिन मालिका को ये तो नहीं पता ना कि गुलबोर के पास पैसे नहीं है। तो ये बात आप मालिका मैम से कह दीजिए अरमान सर। जैसी जैसी ऑफिस के बाद रुक सकती है थोड़ी देर के लिए? हाँ? वो स्टोर का क्या करना है वो फाइनल कर लेते हैं, प्लीज प्लीज जैसी। नहीं सर, मैं नहीं रुक सकती हूँ, मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। फिल्म देखने? यस सर, मैंने किसी को प्रॉमिस किया है, मैं नहीं तोड़ सकती। किसे? रूबी मॉम को। रूबी मॉम को ना, तो मना कर दो उन्हें। नहीं सर, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। रूबी मॉम बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी हैं सर, मुझे जाना ही होगा। रूबी मॉम को मैं मना नहीं कर सकती, रूबी मॉम किधर है? गुड, वेरी गुड। लगता है मेरा प्लान नंबर टू कामयाब जाएगा। Excuse me, sir. Miss Hansmukhi. Ma'am, please come. Hi. Purab. Purab Mehra. बहुत नाम सुना था, दर्शन करने थे, और आपसे सिर्फ ये कहना था कि आपकी जो भी ऑफर प्लान्स या बिजनेस प्रोपोजिशंस हैं उनके लिए थैंक यू, नमस्ते। Excuse me. क्या आप इतनी दूर से मुझे सिर्फ यही सुनाने आई हैं? क्या आप ये पूछना नहीं चाहेंगी कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? नहीं, नहीं पूछना चाहूँगी, बल्कि ये कहना चाहूँगी कि मैं उन लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करती जो दोस्ती को भी बिजनेस समझकर करते हैं। मैंने आपको यहाँ सिर्फ बिजनेस के लिए बुलाया है। जी हाँ, लेकिन जब आप दोस्ती नहीं निभा पाए तो बिजनेस क्या निभाएंगे? आप फिलहाल मेरे साथ सिर्फ बिजनेस करके देखिए, मैं दोस्ती निभा पाता हूं या नहीं ये आप खुद ब खुद जान जाएंगे। मैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ प्रॉफिटेबल वेंचर्स ढूंढ रहा हूं, और मेरे सुनने में आया है कि आप अपनी कंपनी के लिए फंड्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये अचानक फैशन इंडस्ट्री में इतना इंटरेस्ट क्यों? ये आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि आईटी इंडस्ट्रीज के बाद अगर कोई इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबल है तो वह है मीडिया, कॉस्मेटिक्स और फैशन। मीडिया और कॉस्मेटिक्स से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है,
और रहा सवाल फैशन का, उससे मेरा थोड़ा शौक है। तो ये सब आप अपना शौक पूरा करने के लिए कर रहे हैं? मैं बिजनेस कभी शौक के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ अगर बिजनेस शौक से किया जाए तो उसमें मजा भी आता है और प्रॉफिट भी होता है। आपको कोई इतराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। ग्रेट, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करवाता हूँ। अगर मेरे बिजनेस में मुझे एक्सपेंशन और प्रॉफिट दोनों ही मिल रहे हैं और आपका शौक भी पूरा हो रहा है तो वाई नॉट। हाँ, मुझे एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जरूरत होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक्सपेंशन के वक्त मैं अपना सारा ध्यान क्रिएटिविटी की तरफ रखूँ। नो प्रॉब्लम्स, आप जिसे चाहें हायर कर सकती हैं। Careful, Ruby old woman. By God, Ruby mom, अपनी ढलती उम्र के साथ साथ अपने इर्द गिर्द उभरती हुई हस्तियों का भी तो ख्याल रखा करो। उभरती हुई हस्तियाँ या अंधी हस्तियाँ? ए, ये तो कोई हस्ती नहीं दिख रही। जोक मारे तुमने मेरी पहले। अच्छा चलो, अभी देर नहीं हो रही है, फिल्म देखने जा रही हो जैसी? हाँ, तुम चलोगी? अरे पर ये कैसे आ सकती है, उसकी तो नजर कमजोर है ना। रूबी मॉम, आप भी ना। अरे रूबी मॉम को क्या बोल रही है, पता है वो परी रूबी मॉम को ओल्ड वुमन बोल के गई है। तुझे रूबी मॉम ओल्ड वुमन दिखती है? अरे अभी पिछले साल ही तुझे 16 साल लगा है। She's just sweet 16. बिंदिया चलो। बुढ़ी कही की समझती क्या अपने आपको? लाइन जा दे राज। राज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। क्या? वो स्टोर की जगह तो फाइनल हो गई, लेकिन मल्लिका ने बाकी काम रूबी मॉम के हाथों दे दिया है। रूबी मॉम की तो उम्र हो गई है ना। वो तो है राज, तू सही कह रहा है, ये काम मुझे खुद करना चाहिए था, है ना? अरे तुझे क्यों करना चाहिए था, जैसी है ना। बड़ी मीन जैसी को करना चाहिए, ये काम मल्लिका ने अपने हाथों लिया उसे करना चाहिए। हाँ हाँ, मल्लिका को ही करना चाहिए। वैसे मल्लिका के अपने खुद के भी तो और काम है। और काम में बिजी है वो, लेकिन वो तेरे काम में बिजी नहीं है। जो तुझे इंपॉर्टेंट है स्टोर का काम, उसे बिजी नहीं। वो मेरे लिए है ना, इसलिए खुद का नहीं उसका। ये काम तूने अगर जैसी को दिया होता तो सबसे पहले जो काम तुझे इंपॉर्टेंट है वो पहले करती, उसके बाद बाकी सब करती। तू बिल्कुल सही कह रहा है, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं हमेशा सही कहता हूँ। मल्लिका, ये तुम क्या कर रही हो? अब आएगा मजा। मैंने सारे डायलॉग बोल दिए, लेकिन ये तो बता कि सीन क्या है। सीन बहुत सिंपल है, परी जाकर मल्लिका के कान भरेगी, मल्लिका के कान खड़े हो जाएंगे और मल्लिका रूबी मॉम को सुनाएगी। ए, वो तो रूबी मॉम को नौकरी से बाहर निकाल देगी। एग्जैक्टली, और मैं अरमान सूरी बाजीगर बनकर आखिरी मिनट में वहां पहुंचूंगा और रूबी मॉम को वापस नौकरी पे रखूंगा। तू ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि रूबी मॉम जैसी की भी मॉम जैसी है, और जब जैसी ये सब देखेंगे तो शायद उसकी आंखों में एक बार फिर मैं हीरो बन जाऊंगा। वाओ, यानी कि स्कोर 1-1 हो जाएगा। बट द बेस्ट पार्ट इज मल्लिका सेठ, मल्लिका सेठ राज खुद मेरी मदद करेगी जस्सी को मेरे करीब लाने में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.